नाम पर बदावर डिपो में होती थी वसूली। एंटी करप्शन टीम ने शिकायत पर मारा छापा। एआरएम का चालक रंगे हाथ गिरफ्तार। बाबू और एआरएम पर भी संलिप्त होने और साक्ष्य मिटाने का आरोप। जी क्या नाम है आपका? क्या है आप यहाँ? हम ड्राइवर साहब, मेरे यार साहब गाड़ी चला रहा है। क्या मामला है? मामला ये है, राम लखन ने मुझे रुपए दिए थे गिनने के लिए, ये चेक करो नकली कैसे लिए, तो हम रुपए गिन के तुरंत उसने ले लिया। अच्छा फिर? फिर क्या, मुझे पे पुलिस वाले आए, उन्होंने मारपीट करी और जो हमारे बैग पर्स में रुपए रखे थे वो उन्होंने कही तुम्हारे राम लखन वाले बताए थे, वो मुझसे रुपए नहीं थे वो तुरंत वापस ले गया था मुझसे। नहीं तो ये जो पैसे देने की बात चल रही है, क्या एआरएम साहब ने आपसे कहा था कि पैसे लेके उसका रूट बाहर किया जाएगा? नहीं, केवल पैसे गिनवाए, ये पैसे गिन लो, नकली कैसे वालों ने जब आपके हाथ धुलवाए उनकी क्या पोजीशन रही उस समय? उसमें कुछ नहीं, हमारे रंग लगा था होली वाला। तो क्या इससे पहले भी पैसे आपके पास आए किसी और लोगों के? नहीं, किसी पैसे के भी नहीं आए, हमें कम से कम यहाँ हो गए 3-4 साल करीब। हाँ, जहाँ बसों की धुलाई होती है उसके पास पेड़ों के पत्तों के नीचे दबे हुए 11,000 रुपए 5-500 के नोट बरामद हुए, जबकि जो ट्रीट किए गए रुपए थे उनमें जो नोट थे 2,000 के थे 7 नोट और 2 नोट 5-500 के थे, इस प्रकार कुल 15,000 रुपये थे। लेकिन जब बरामदगी हुई तो 11,000 रुपये 5-500 के यानी कुल 22 नोट बरामद हुए पत्तों से छिपे हुए। और बाकी जो रुपयों के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि मैंने 4,000 रुपये अपने हिस्से के निकाल करके पर्स में रख लिए थे जो मेरे पर्स में मौजूद हैं। चेक किया गया तो 11,000 रुपये पत्तों से तथा 4,000 रुपये अलग से उसके पर्स में बरामद हुए, जिसमें 10 नोट 100-100 के थे तथा 3,000 रुपये के यानी कुल 6 नोट 5-500 के थे। और उसके द्वारा ये शिकायतकर्ता से आश्वासन दिया गया था कि मैं रुपयों को दे करके आपका रूट बहाल करा दूंगा। इस प्रकार पूरे प्रकरण में एआरएम कपिल देव और बाबू कृष्ण कांत की संलिप्तता पाई गई और पूरन सिंह को जो मय रिश्वती नोटों के गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा क्योंकि साक्ष्य मिटाने की भी कार्रवाई की गई है और इनके द्वारा संगठित रूप से अपराध किया गया है, इस प्रकार से धारा 7 का सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध तथा यह ड्राइवर क्योंकि सरकारी कर्मचारी नहीं है इसके विरुद्ध 12 है भ्रष्टाचार अधिनियम की जो धारा है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, और बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की और 120 IPC की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि इसके द्वारा नोटों को बदलकर साक्ष्य छिपाने का प्रयास भी किया गया है, साक्ष्य छिपाया गया है, इसलिए 201 IPC की भी कार्रवाई पूरन सिंह के विरुद्ध की गई है। पूरन सिंह को गिरफ्तार करके मुकदमा लिखा दिया गया है और उसको सुबह माननीय न्यायालय में मेरठ प्रस्तुत किया जाएगा और बाकी जो ARM हैं और कृष्णकांत हैं उनके विरुद्ध विवेचना प्रचलित है, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।